मेरे साथ तुषार जोशी भी यहां पर मौजूद दिख रहे हैं मुझे, और एंटरटेनमेंट के एडिटर है। तुषार, सुबह से लगातार मैं रिव्यूज पढ़ रहा था और बड़ी हैरानी हुई कि 5 स्टार या 4.5 स्टार के नीचे 5 में से किसी ने दिया ही नहीं है। अब कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या फिल्म इतनी अच्छी है कि उसमें कोई कमी नहीं है, या इसकी मार्केटिंग इतनी जबरदस्त कर दी गई शाहरुख खान की टीम की तरफ से, या फिर इस बार पूरा बॉलीवुड एक साथ आ गया है ताकि सिनेमा घरों में भीड़ जो है वो वापस लाई जाए, वरना हमने देखा है कि बॉलीवुड को काफी नुकसान हुआ है। तो क्या वजह रही जो इतनी हाई रेटिंग हो रही है फिल्म को लेकर, सभी 5 स्टार दिए जा रहे हैं? शुभांकर, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो फिल्म के इर्द गिर्द जो कॉन्ट्रोवर्सी बनी है, आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंस होता है फिल्म की ओपनिंग को लेके। फिल्म की ओपनिंग के जो आंकड़े आते हैं उनमें सोशल मीडिया पे अगर बॉयकॉट कॉल भी होगा फिल्म के लिए, तो दर्शक जाके देखना चाहते हैं कि भाई बॉयकॉट क्यों कर रहे हैं, कॉन्ट्रोवर्सी क्या है। तो ये एक फैक्टर पठान के लिए भी हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट था ओपनिंग डे को लेके। दूसरा फैक्टर यह है कि 4 साल के बाद शाहरुख खान बड़े पर्दे पर नजर आ रहे हैं। आप शाहरुख की एक्टिंग पसंद करें ना पसंद करें, लेकिन आप थिएटर जरूर जाएंगे देखने के लिए कि अगर उनका परफॉर्मेंस भी आपको पसंद नहीं आया तो कितना खराब या कितना अच्छा था। तो ये पहली बार हुआ है बॉलीवुड में कि सवेरे के जो शोज है 6 बजे के शोज को लेकर 300 स्क्रीन ऐड हुए हैं। पठान बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म है थिएटर्स में लगने वाली, 8,000 स्क्रीन में ये फिल्म लगी है इंडिया में। और अगर आप बाहर के इंटरनेशनल स्क्रीन को देखे जाए, यूजुअली होता है कि पहले 2 शो के बाद सोशल मीडिया पे 2 स्टार 3 स्टार खराब रेटिंग आती है और स्क्रीन कम होते हैं, लेकिन पहली बार पठान में 300-400 स्क्रीन लोग ऐड कर रहे हैं, ये देखते हुए कि 6 बजे का जो शो था उसके लिए बहुत उम्दा पॉजिटिव फीडबैक आया है। जी, और ये रेटिंग को लेकर भी आप बता दीजिए, आपने फिल्म देखी अब तक या आपने बात की लोगों से? क्योंकि हमने सुना कि 5 स्टार रेटिंग में जॉन अब्राहम की बड़ी तारीफ की जा रही है, सलमान खान के कैमियो की बहुत तारीफ की जा रही है, और एक सस्पेंस भी है जो ट्रेलर में देखकर बड़ी साधारण फिल्म लग रही थी, लोग कह रहे हैं कि नहीं कुछ अलग है उसमें जो आपको मूवी देखने पर अलग मिल रहा है। शुभांकर, मैंने सवेरे सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया था क्योंकि मैंने 6 बजे ये जाके मूवी देखी, और मैं आश्चर्यचकित रहा कि 6 बजे के शो में मेरा थिएटर ऑलमोस्ट हाउसफुल था, पूरा पैक नहीं था लेकिन काफी फुल था। जिन लोगों ने फिल्म देखी नहीं है उनके लिए मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ जरूर जाके देखिए। शाहरुख खान तो बढ़िया है ही फिल्म में, लेकिन जॉन अब्राहम को जो प्रशंसा मिल रही है, इतने सालों के बाद जॉन बड़े पर्दे पर आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, दीपिका अच्छी लग रही है, तो इट्स अ टिपिकल बॉलीवुड फिल्म, गुड लुकिंग बॉलीवुड फिल्म जो बॉलीवुड से आप एक्सपेक्ट करते हो, जो स्पाई यूनिवर्स से एक्सपेक्ट करते हो। और सोने पे सुहागा जो सलमान शाहरुख का सीन है फिल्म में, वो तो मतलब लोग पागल हो जाते हैं थिएटर में, लोग चिल्ला रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। शाहरुख सलमान को वापस एक साथ एक थिएटर में देख रहे हो, आप एक सीन में देख रहे हो, दैट इज अ वेरी बिग हाईलाइट फॉर पठान। ठीक है, सौरभ, आपके पीछे एक लड़की डांस करती हुई नजर आ रही थी कैमरे में हमें, अगर वो चाहें तो कैमरे पे डांस कर सकती, उन्हें छिपकर डांस करने की जरूरत नहीं है। आपके पीछे एक मोहतरमा थी अभी वो। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो शायद बिल्कुल बिल्कुल शाहरुख खान के डाई हार्ट फैन लग रहे, एक डांस Definitely, come on, let's try. बिल्कुल, we'll do झूमे जो पठान, okay? यहाँ से 5, 6, 7, go. Ta 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 ta. झूमे जो पठान मेरी जान, महफिल ही लुट जाए, दे दे जो जुबान मेरी जान, उस पे मर मिट जाए. We love you, शाहरुख. शाहरुख खान के एकदम डायहार्ड. सौरभ, हमने उनका डांस देखा और काफी एक्साइटेड वो लग रही है, हमें नजर आ रहा है कि शाहरुख खान के फैंस जो हैं वो हार्डकोर फैंस कैसे होते हैं। पुणे में पंकज हमें नजर आ रहे हैं, पंकज मुंबई और पुणे में खास तौर पर नजर होती है हिंदी पट्टी के अलावा, वहां पर फिलहाल क्या रिस्पॉन्स दिया जा रहा है, कितनी बड़ी भीड़ आ रही है, और शो हाउसफुल जा रहे हैं या सुबह केवल हाउसफुल थे और अब जैसे दिन आगे बढ़ रहा है भीड़ कम ज्यादा कैसी हो रही है? पुणे की अगर बात करें तो पुणे में तकरीबन 25 से ज्यादा थिएटर्स में ये फिल्म रिलीज हुई है। सुबह 7 बजे से शोज शुरू हो गए हैं। मैं फिलहाल पुणे के औंध इलाके में जो वेस्ट एंड मॉल है वहाँ पे जो थिएटर है मल्टीप्लेक्स, वहाँ पर आया हूँ, और यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है कि सुबह में उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं था, उतने जो शाहरुख खान के फैंस है वो नहीं आए, लेकिन हम इसके पहले जो कैंप इलाके में विक्ट्री थिएटर पे गए थे वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा शाहरुख खान के चाहने वाले फिल्म देखने के लिए वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, और इसके साथ साथ जो कंट्रोवर्सी हुई है उसके चलते पुलिस फोर्स भी ज़्यादा बढ़ा दी गई है उन इलाकों में जहाँ पे इस तरह से कुछ अनुचित घटना हो सकती है, चाहे वो राहुल थिएटर हो या कोथरूड इलाके में जो
सिटी प्राइड है वहां पर भी पुलिस फोर्स लगाया गया है। तो पुणे शहर में अलग अलग इलाकों में अलग अलग रिस्पांस है। कैंप इलाके में बहुत ज्यादा रिस्पांस है। इधर जो औंद इलाका है, अप मार्केट इलाका है, वहां पे शुरुआत में ने सुबह तो उतना रिस्पांस नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा शायद और ज्यादा लोग यहाँ पर आ सकते हैं। स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स हमको अभी थिएटर में जाते हुए दिखाई दिए, शायद वो भी फिल्म देखने के लिए गए होंगे, ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन बाकी के ठीक है पंकज, जो सिनेमा प्लेक्स है वहां पर, मतलब आप कह रहे हैं कि वहां पर कुछ एक थिएटर है जहां पर भीड़ आई और कई थिएटर ऐसे हैं जहां पर भीड़ नहीं गई, लेकिन अलग अलग शहरों का अलग अलग हाल है, कहीं विरोध है कहीं समर्थन है। आप पटना की तरफ रुख करते हैं, रोहित हमें नजर आ रहे हैं। रोहित, पटना में क्या रहा, क्योंकि कहा गया कि बिहार में कुछ जगहों पर इसका भारी विरोध भी हुआ है। फिलहाल जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर सुबह से रिस्पॉन्स क्या रहा, कितनी एक्साइटमेंट दिख रही है और क्या बता रहे हैं वहां के लोग, किया शाम तक की बुकिंग कैसी है? बिल्कुल शुभंकर, जैसा कि आप बता रहे थे बिहार के कुछ शहरों में पठान फिल्म का विरोध हुआ है, भागलपुर में इसका जो है विरोध हुआ है, लोगों ने वहां पर पठान के पोस्टर जलाए हैं। लेकिन पटना में अगर हम बात करें, राजधानी की बात करें, तो यहां पर उस तरीके का विरोध देखने को नहीं मिल रहा है और लोग लगातार सुबह से ही जो है वो फिल्म देखने के लिए पहुंच रहे हैं। इस वक्त पहला शो जो सुबह तकरीबन 9:30 बजे शुरू हुआ वो चल रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं सुरक्षा के साए में इस वक्त हम पटना के मोना एलिफेंट सिनेमा हॉल पर है और यहाँ पर सुरक्षाकर्मी भारी संख्या में लगाए गए हैं, पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई ऐसी घटना ना हो और कोई विरोध प्रदर्शन करने वाले कोई गुट या संगठन ना आए, उस पर लगाम लगाने के लिए यहाँ पर पुलिस भी यहाँ पर लगाई गई है। लेकिन आप देख सकते हैं युवा जो है वो ज्यादा संख्या में यहाँ पर मौजूद है और कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या आप लोग आए हैं पठान देखने के लिए आए हुए? जी यस। देखा आप लोगों ने? नहीं अभी तो देखने का है। टिकट मिला? अभी तो नहीं मिला। हाउसफुल चल रहा है आप लोगों? मिल गया, हम 19 जनवरी को टिकट कटवा लिए थे। 19 जनवरी को टिकट कटवा लिए थे, तो कब देखोगे फिल्म? अभी 12:45 का शो है, अगला शो देखोगे? जी। आपको क्या है, शाहरुख खान की फिल्म 4 साल के बाद आ रही है, एक्साइटेड है क्या? बहुत एक्साइटेड है, बहुत 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 ज्यादा। कॉलेज बंक मार के आए, बंक मार के आए, कॉलेज बहुत एक्साइटेड है, बंक मार के तब आए। बंका देख रहे हैं, कॉलेज बंक मार के आए हैं। 19 जनवरी यानी एक हफ्ता पहले ही बुकिंग भी करवा ली थी पठान की, और यहाँ पर भी पटना की बात करें तो रिस्पॉन्स जबरदस्त मिल रहा है, लेकिन सिनेमा घरों पर सुरक्षा काफी बढ़ाई गई है ताकि कोई विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे तो उन पर लगाम लगाया जा सके, ऐसी घटना को रोका जा सके। ठीक है, आप रोहित तस्वीरें दिखा रहे हैं, हालांकि पटना में ये फर्स्ट शो है और फर्स्ट शो में एक्साइटमेंट बनी हुई है, लेकिन ये भी देखना दिलचस्प होगा कि पहले दिन के बाद जब ये वीकेंड खत्म होता है इसके बाद कैसा रिस्पांस होता है। लेकिन ये तस्वीर देखिए, कहीं पर पठान का केक काटा गया है और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, खासतौर पर कॉलेज के लड़कों में एक्साइटमेंट जो है वो काफी नजर आ रही है। तो पटना की तस्वीर जहां पर केक काटा गया है और लड़कों ने यहां पर केक काटा है, कई लड़के ऐसे हैं जो कॉलेज को बंक करके आज पठान देखने गए हैं। अब ये भी अपने आप में तपस्या है कि ठंड के महीने में कहीं कहीं लोग 6 बजे उठकर फिल्म देखने गए हैं, जो शाहरुख खान के प्रति उनकी एक्साइटमेंट को या फिर सोशल मीडिया पर इसको लेकर रिव्यू देने की उनकी उत्सुकता को दर्शाता है। तो कहीं पर हाय तौबा, कहीं पर जश्न, और ये नजर आ रहा है हमें यहाँ पर कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा हो गई है। देखिए दीपिका,